सो गाइज फाइनली मेरे को जिसका इंतजार था तो वो चीज़ आ चुकी है, ये देखे गाइज। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और गाइज, आज ना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है एक चीज़, क्योंकि आज मैंने मतलब 4-5 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था एक माइक। मतलब क्या होता है यार, आप लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम होती होगी थोड़ा बहुत, है ना? मुझे ऐसा लगा तो मैंने कहा क्यों ना कि एक माइक्रोफोन मंगाया जाए। तो मैंने आज एक बोया का बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन मंगाया है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा कैसे क्या रहता है उसका सिस्टम। सो गाइज, तो चलिए मैं फिलहाल अभी चलता हूँ मम्मी जी के पास। देखते हैं हमारी मम्मी जी क्या करें, क्योंकि आज उन्होंने बोला था कि आज हम एक अच्छी सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या बना रही हैं। फिलहाल चलिए उन्हीं के पास चलते हैं हम। गाइज ये देखिए, मम्मी जी पता नहीं लगी हुई हैं लोढ़वा और सिलौटी में। क्या बना मम्मी आज? लौकी कोफ्ता। कोफ्ता लौकी कोफ्ता। अच्छा, ये सब तैयारियां हो गई भाई। ये लौकी वगैरह को सब मम्मी ने कद्दूकस कर लिया है ना। और ये प्याज और मसाले जो है, तो लोढ़वा सिलौटी में। तो गाइस हम बता दें, आज भी हमारे घर में लोढ़वा और सिलौटी का यूज़ किया जाता है। अब बहुत जगह आप तो देखते होंगे मिक्सर में सब पीस लेते फटाफट, लेकिन अभी भी हमारी मम्मी जी लोढ़वा सिलौटी का ही यूज़ कर रही हैं। तो फिलहाल गाइस हम देखते हैं मम्मी का बन जाए, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा होती है कोफ्ता। लौकी की कोफ्ते की जो ये रेसिपी है, बहुत ही शानदार तरीके से मम्मी जी बनाने वाली हैं। तो चलिए ठीक है, फिलहाल बन जाए, फिर उसके बाद आप लोगों को हम दिखाते हैं। सो गाइस, अब मम्मी बना रही हैं, इसके बाउल तैयार कर रही हैं गोल गोल। तो ये देखिए कोफ्ते के लिए, तो इस तरह से बाउल तैयार करेंगी, उसके बाद फिर इन्हें तलेंगी और फिर जाके, अभी लंबा प्रोसेस है मतलब सब्जी बनने की। तो ये देखिए सभी बॉल तैयार कर ली है मम्मी ने और अब इन्हें तलेंगी। तो चलिए गाइस। तो गाइस मम्मी तो कोफ्ता बनाने लगी हैं, ये कोफ्ते बनने शुरू हो गए हैं। अब ये पकाएंगी मम्मी, समय लगेगा? कितना समय लग जाएगा अभी? 5। तो 5 मिनट भाई, अभी कोफ्ता पकेगा, तलेंगी पहले, फिर उसकी ग्रेवी बनेगी, उसके बाद जाके कोफ्ते की बढ़िया लौकी कोफ्ते की सब्जी जाके तैयार होगी। तो चलिए फिर हम आपको सब्जी भी दिखाते हैं बढ़िया। तो ये देखिए मम्मी सब तैयारी में लगी हुई इधर। ये मम्मी की छोटी सी रसोई है यहीं पर, और ये सब मसाले वगैरह मम्मी के सब रखे हुए हैं। मम्मी जी चेहरा नहीं दिखा रही अपना। तो गाइज आप लोगों को बता दें हम कि हमारी मम्मी जो है ना, खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है। सो गाइज ये लौकी का कोफ्ता बंद करके हो चुका है तैयार। देखिए कितने बढ़िया बाउल दिख रहे हैं इनके, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुगंध आ रही है यार, लग रहा है बस अभी खाने ही बैठ जाए। सो गाइज प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइज जो मैंने माइक्रोफोन मंगाया था तो आ चुका है। तो भैया ने भी कॉल किया था कि भैया हम आ रहे हैं, तो चले रोड में हम उनका इंतजार करते हैं, फिर आप लोग को ही दिखाते हैं। सो गाइज फाइनली मेरे को जिसका इंतजार था तो वो चीज़ आ चुकी है, ये देखे गाइज। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। सो गाइज ये आ चुका है बोया MM1। तो गाइज ये है इसका पूरा बॉक्स, तो ये चीज़ रहता है इसमें। तो रियल बोया का जो माइक है तो ये है। तो कैसा है ये देखिए, ये पूरा बॉक्स है इसका, इसमें फीचर वगैरह के बारे में भी सब डिटेल दी हुई है। तो ये है बोया MM1।
सो गाइज फाइनली मैंने आप लोगों को दिखाया इसके अनबॉक्सिंग करके इसमें क्या क्या रहता है, और गाइज बहुत ही बढ़िया होता है मैंने सुना है, लेकिन आज हम इसको अब यूज़ भी करेंगे। तो चलिए ठीक है गाइज, अब हम इसको यूज़ करेंगे और आज से डेली आप लोग को आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज कैसा लगा आज का ब्लॉग, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।